33, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 38, राम राम 39, राम 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 40, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम 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 बजरंग दल के तत्वधान में किशनगंज क्षेत्र के हर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ होगा, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जिसको भी इस सूचना का नहीं पता हो, कृपया आप भी बताकर पुण्य के भागीदारी बने। और हमारे बीच में कुलदीप जी, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे बीच में हैं, वो हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। मैं बोल रहा हूँ भारत माता की जय। सभी अपनी मुट्ठियों को बंद करके और दोनों हाथ खड़े करके और अपनी भुजाओं का बल लगाकर बोलेंगे भारत माता की जय। बोले भारत माता की जय। बोले भारत माता की जय। अभी मैंने बोला भारत माता की जय, साथ में सबने बोला भारत माता की जय। तो जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो सिर्फ हम भारत माता की ही जय नहीं बोलते। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो गौ माता की जय बोलते हैं। जब हम गौ माता की जय बोलते हैं तो गंगा माता की जय बोलते हैं, गीता की जय बोलते हैं, गौ गंगा और गीता की जय बोलते हैं। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो इस देश के संतों की जय बोलते हैं, इस देश के मुनियों की जय बोलते हैं, इस देश के आचार्यों की जय बोलते हैं। और जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो अटक से लेके कटक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फैले हुए इस पूरे भारत वर्ष की जय बोलते हैं। सिर्फ हम भारत माता की जय ही नहीं बोलते हैं। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो इस देश के क्रांतिकारियों की जय बोलते हैं, इस देश के महान अनुभव की जय बोलते हैं। ये जो मंदिर होते हैं ये हमारे देव भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का भी केंद्र होता है। और अपने केंद्रों में, अपने मंदिरों में हम लोग अगर मंगलवार को सप्ताह में एक दिन सभी धर्म के लोगों के लिए अपने धर्म की पूजा के लिए, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने धर्म का विस्तार करने के लिए, अपने धर्म के लोगों को ऊर्जावान बलवान बनाने के लिए कोई ना कोई दिन निश्चिंत कर रखा है। कोई लोग शुक्रवार को पूजा करते हैं, कोई लोग रविवार को पूजा करते हैं। ऐसे ही हम सभी सनातनियों के लिए भी एक दिन निश्चिंत है। वैसे पूजा हम सबको साप्ताहिक करनी है, पूरे सातों दिन करनी है, पर एक दिन हम अपने मंदिरों के अंदर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करें। वह दिन कौन सा है? मंगलवार। मंगलवार क्यों? क्योंकि मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है और हनुमान जी की पूजा करने से रूकी भी सभी बाधाओं से मुक्त किया जाता है। कुछ लोग फिल्मों के माध्यम से ज्यादा अपने आप को जुड़ाव रखते हैं, कुछ लोग फिल्में ज्यादा देखते हैं। तो कितने लोगों ने 1920 फिल्म को देखा है, 1920? कितने लोगों ने 1920 फिल्म को देखा है? उस फिल्म में क्या दिखाया कि एक क्रिश्चियन महिला एक हिंदू लड़के को, जो बजरंग बली का भक्त होता है, उसे अपने प्रेम में फंस कर उससे शादी करती है, उससे विवाह रचाती है और उसे क्रिश्चियन बना लेती है, उसे अपने धर्म में ले जाती है। पर अचानक उस महिला को एक रूह पकड़ लेती है और वह उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो वो जो लड़का है, हीरो है, वो अपनी धर्म पत्नी को बचाने के लिए एक पादरी के पास जाता है कि मेरी धर्म पत्नी को बचा लो। तो पादरी साहब कहते हैं कि मैं रात को हॉली वाटर लेके आऊंगा और आपकी धर्म पत्नी को बचाऊंगा। जब रात को पादरी आते हैं तो वो जो महिला भूत होती है
वो उस पादरी को ले जाती है। पादरी गायब, हॉली वाटर गायब, सब कुछ गायब। तब उस लड़के को याद आता है कि वो किसका भक्त था? हनुमान जी का। किसका भक्त था? हनुमान जी का। वो जब हनुमान चालीसा पढ़ता है, उस महिला का हाथ पकड़ता है, उसे अपनी ओर खींचता है और क्या बोलता है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अपनी सिद्धि और लोक उजागर। और भूत नाम की चिड़िया उड़ जाती, उस महिला के अंदर से निकल जाती, उड़ जाती है। हाँ जी। क्यों? अभी आपने पढ़ा होगा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मित्रों, ये हनुमान चालीसा पढ़ने से सभी बाधाएं दूर होती हैं। और जब सामूहिक शक्ति के साथ हम अपने मंदिरों में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो एक सामूहिक शक्ति का उद्घोष होता है, जिससे आस पास का सभी वातावरण शुद्ध हो जाता है। रघुनाथ कला की आरती कीजे, हनुमान कला की। जय श्री राम, जय श्री राम।